घर पर बिना किसी और चीज़ के, बिना किसी मसाला जात के आप हलीम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप कैसे घर पे आसानी से हलीम बिना किसी मसाला जात के और बिना किसी टप्पे के इंग्रेडिएंट्स के आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको सिखाएंगे आज हम क्या फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से हलीम कैसे बना सकते हैं एट होम। तो ये देखिए, ये मैंने चने की दाल है और रेड कलर के जो मसर होते हैं ना, जिसे कहते हैं मसर, मसर की दाल, ये वो है, भिगो के रखा है इनको मैंने आधे घंटे के लिए। तो अब हमने इसको प्रेशर में डाल दिया। चिकन मैंने ऐसे ही डाल दिया, हड्डी वाला चिकन है सारा, पर होते हैं जो गर्दन की बोटी होती है, इनका बहुत ही अच्छा जो है ना वो बन जाता है, हलीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे 10 मिनट के लिए उबालें, 5-7 मिनट के लिए उबालें इसको कुकर लगाने से पहले, ताकि बॉयल जो है वो पानी बाहर नहीं आए कुकर के। इस टाइप के पीसीज हैं, ठीक है। इसी में ही हम लोग लहसुन अदरक एवरीथिंग जो है ना इसी में हम मिक्स कर देंगे, लहसुन अदरक भी और हर चीज़ इसी में हमें जो है ना मिक्स करना है। तो इसका ये होगा फ़ायदा कि बॉयल जो है वो भी कम आएगा और नमक मिर्च जो है वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। नमक मिर्च इसमें हम अपने, आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है अपने चम्मच के हिसाब से। तो मैं तो ये इस टाइप का चम्मच है ये यूज़ करती हूँ, या इस टाइप का चम्मच रखा हुआ मैंने ये यूज़ करती हूँ। ये नहीं हो तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है मेरे लिए। तो चलिए ऐड करते हैं 1 1/2, ठीक है। ये पाव ये वाली दाल है चने की, और हाफ पाव जो है वो है मसूर की दाल, ठीक है। और बाकी हम इसमें 1 पीसी हुई और कुटी हुई मिर्च होती है मेरी, मैं इकट्ठी ही रखती हूँ अपना ही टेस्ट होता है इसका, 2 चम्मच इसके मैंने मिर्च के डाले हैं। बाकी हम लोग इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 चम्मच पूरा इसका हल्दी का डालना है हमने, ठीक है। इसी से ही तो कलर डिवेलप होता है। उसके बाद अभी लहसुन अदरक ये वो चीज़ें सारी स्पाइसेस जो हैं वो भी ऐड करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए कि हमने ये स्पाइसेस किस टाइप के लेने हैं। ये अगर आपके पास ऑनियन जो है वो छोटे हैं तो आप 4 लेंगे, ठीक है। अगर ये साइज़ के हैं तो 4-5 ले लें, और अगर ये साइज़ के हैं तो 3 ही काफ़ी होंगे, 3-4, मैंने 4 लिए हैं। ये हरी मिर्चें हैं 10-12 मिर्च, ये हरा लहसुन है, और इसके अलावा 2 चम्मच जो है कुटा हुआ लहसुन, अदरक है 1.5 चम्मच, और 2 टमाटर ही काटे हैं मैंने, ठीक है। ये इसी क्वांटिटी में रखने हैं। अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो पाव है चने की दाल, और 1.5 पाव चने की दाल है, और बाकी जो है आपका कैसे कहते हैं सुर्ख मसाले जो है आपके पाव है, ठीक है। बस वो इतना ही रखना है अपने ये क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम इसको सबको अब इसमें ऐड कर देंगे, इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे ऐसे ही, और बाकी को फिर हम इसको प्रेशर को लगा देंगे। तो इसको ऐड करके फिर आपसे मिलते हैं। ओके, हमने सारे मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च और ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऑलरेडी हमने इसको 5 मिनट तक उबाल लिया, ताकि ये जब बन जाए, जब हम प्रेशर लगाएं तो इसका जो बॉयल है वो पानी बाहर नहीं आए। तो अब हम इसको बंद करेंगे और जस्ट हम इसको 5 to 10 मिनट कुक करेंगे कुकर में, देन हम आपको खोलेंगे, और बाद में जो जो स्पाइसेस ऐड करने हैं इसमें वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर हमने बनाया था, ये सारे का सारा चने की दाल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो गल चुकी है, और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही गलने देंगे। इन बोटियों को हम बाहर निकाल लेंगे या इसमें ही हम इसको क्रश कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको हमने घोटना है, और घोटने के बाद पहले मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी, ऐसे करके इसको मैश करेंगे, ठीक है। और मैश करने के बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी करेंगे। ये जो बोटियाँ हैं, ये सबके सब जो चिकन पीसेज हैं, ये सबके सब ऐसे ही मैश हो जाएंगे, इसमें आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद हम आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाएंगे, और इसमें और स्पाइसेस क्या ऐड करने हैं मैं वो भी अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है काली मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें है गरम मसाला, ठीक है। वैसे तो आप ये चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, मगर हमने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया, ये जस्ट आपको मेयरमेंट बताइए मैंने, अगर आप इस मेयर में करना चाहें तो। गरम मसाला और ब्लैक पेपर, ठीक हो गया, ये हम इसमें पिसा हुआ ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट आप इसको ऐसे मैश करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे मैश करेंगे इसका 2 से 3 मिनट, ये काफ़ी हद तक जो है मैश हो जाएगी, और ये जो चिकन पीसीज हैं जो खड़े खड़े हैं अभी, ये भी बिल्कुल मैश हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद आप इसके ऊपर तड़का लगा लें, किसी भी चीज़ जो आपको पसंद है, प्याज लाइट ब्राउन कर लें। लाइट ब्राउन करने के बाद आप इसको तड़का लगा लें। ये हलीम आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। बहुत सिंपल सा तरीका है जो कि मैंने शेयर किया है, जैसे मैं आम तौर पे घर में कुकिंग करती हूँ वही तरीका। बहुत ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, फास्टली आप अपनी ये कुकिंग कर सकते हैं, नो इशू। थोड़ी देर इसको हम मैश करेंगे, ये आपको बिल्कुल भी इसमें, ये तो अभी दाल खड़ी भी नज़र आ रही है आपको, ये बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और इस तरह हम लोग इसको थोड़ी देर घोटेंगे, ठीक है। घोटने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और मैश कर लेंगे ग्राइंड में, ताकि ये और मैश हो जाए, और ये बिल्कुल भी हमारे मुँह में नहीं आए, और बोटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आए। तो इसको मैश करके फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। गार्निश के लिए आप इसको ले लेंगे धनिया, हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें गार्निश कीजिए और पेश कीजिए। फाइनल लुक भी दिखाती हूँ मैं आपको। जिन लोगों के पास ग्राइंडर नहीं है और वो ज़्यादा घोटना भी नहीं चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे एक चम्मच में लेते जाए, और एक जो खाने वाला चम्मच होता है, चावल खाने वाला चम्मच होता है, उसके साथ इसी के अंदर बोटियों को मैश करें, चिकन पीसेस को मैश करते जाएं और इसमें मिक्स करते जाएं। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी, और ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से घोट चुके हैं ये। बहुत से लोग हैं हमारी कंट्री में जो बिल्कुल मैश की हुई चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, जैसा कि नॉर्मल, ना ज़्यादा घुटा हुआ हो और ना ज़्यादा वो हो, ये खड़ा हो, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पिस चुकी है नॉर्मल, मेरे घर में भी बिल्कुल पिसी भी नहीं खाते मेरे बच्चे, और मैं इसके ऊपर प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी, लहसुन अदरक का तड़का लगाऊंगी, और देन आपको इसकी कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद। और टेस्ट तो इसका ज़बरदस्त बना है, मैंने चख के देख लिया है। विदाउट ग्राइंडर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको इसी पैन में, कुकर में ही आप इसको घोट सकते हैं हाथ से। ये जो काम हाथ से ज़्यादा किया जाएगा उसका अपना ही टेस्ट होता है, तो ऐसे करके भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अलग से ऐसे चम्मच में लें, खाने वाला चम्मच लें, और इसके अंदर बोटियों को मैश कर लें, वो भी बहुत ईजी वे है। थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो तड़का है वो रेडी किया है, इसको हम सिंपली बस लाइट ब्राउन करेंगे। मेरे बच्चे प्याज नहीं खाते हैं, तो बस हम ये थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करने के बाद में, तो देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो रहा है लहसुन और अदरक। अगर ये तो जस्ट घर के यूज़ के लिए, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप लंबे साइज़ में अदरक वगैरह काट लें, गार्निश कर लें, उससे आप गार्निश करें, ठीक है। ये हो गया तड़का, और इसको अब हम 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ढक देंगे, ताकि इसमें इसकी खुशबू जो है वो चली जाए, ठीक। और देन हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा ग्रीन स्पाइसेस अपने, धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये अब हमारा रेडी है।
और अगर आप किसी मेहमान के सामने इसको पेश करना चाहते हैं तो ये बारीक कटी हुई ऐसे डालिए हरी मिर्च, और ये गार्निश किया हुआ बारीक अदरक, इसको आप ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। अब ये पेश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, इजी टू मेक हलीम बिना किसी उसके, बिना किसी डब्बे के मसाले के और बिना किसी इसके मसाले के आप हलीम घर में ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए किसी डब्बे की ज़रूरत नहीं है और किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हाँ, और एक और ज़रूरी बात, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हर चीज़ का जो इम्तिजाज है वो खूबसूरत अच्छा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हरी मिर्च और काली मिर्च जो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और वो आपको, अगर आपकी वो परफेक्ट होगी काली मिर्च और हरी मिर्च, तो आपका जो ये है जिसे कहते हैं ये आपका हलीम है या कोई भी ऐसी आपके वेजिटेबल है या कुछ भी आपकी डिश है जो कि आप देसी तरीके से बनाते हैं, तो वो सबसे अच्छी आपकी जो है वो रहेगी, ठीक है, टेस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।